पैगंबर, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, लेकिन मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हो जाऊं। और ये कि ऐ नबी, सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज ना होना, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अब अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे, और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है, और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूं। और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।